प्रधान सचिव आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश संदीप कदम ने शनिवार को नाहन में आयुष विभाग के तहत रोगियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर संबंधित संस्थाओं का निरीक्षण किया है और निरीक्षण में जो कमियां पाई गईं उनमें तुरंत सुधार लाने को लेकर निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने यहां रोगियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया और यहां सुविधाएं बढ़ाने पर भी बल दिया। जिला आयुष अधिकारी सिरमौर डॉक्टर राजन सिंह ने बताया कि प्रधान सचिव आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश ने नाहन आयुष अस्पताल समेत माजरा में राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी व हर्बल गार्डन का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने आयुर्वेदिक आसव अरिष्ट देवताओं के निर्माण का अवलोकन किया और हर्बल गार्डन को भी देखा। जिला आयुष चिकित्सालय नाहन का हमारे जो सेक्रेटरी आयुष है उन्होंने एक दौरा किया है और उन्होंने यहाँ पे आकर के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट आयुष चिकित्सालय में जाकर के उन्होंने सुविधाओं का जायजा लिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो यहाँ पे थोड़ी डॉक्टर्स की स्टाफ की कमी हमारे सामने आ रही है तो उसको वो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद यहाँ पे मुहैया करवाएंगे, हमारे पास स्टाफ पूरा देंगे और उन्होंने हमें और भी कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनको हम तुरंत पूर्ण करवाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हमारी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक फार्मेसी माजा का भी निरीक्षण किया और वहाँ पे भी उन्होंने चल रहे कार्यों की सराहना की। वहाँ पे नवनिर्मित भवन बन चुका है और वहाँ पे अभी कुछ काम लंबित है, उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने कुछ दिशा निर्देश हमें दिए हैं जिनको जल्द पूर्ण कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे जो जिला स्तर पर अग्निकर्म और पंचकर्म की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं और हमारे यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक ही डॉक्टर हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध हैं और हमारे पास दो डॉक्टर्स की जो है पोस्ट अभी वैकेंट चल रही हैं। जैसे ही उन पे और डॉक्टर्स आएंगे तो हम और भी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।